नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंगनाथ तिवारी ने पूर्व मंत्री पर लगाया गंभीर आरोप। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा की दुकान सील का मामला है। कांग्रेसियों ने एकजुट होकर निष्पक्ष जांच कराने के लिए कहा। डबरा SDM राघवेंद्र पांडे को सौंपा ज्ञापन। साथ ही कांग्रेसियों ने नगर पालिका प्रशासन पर दबाव बनाकर दुकान को सील करने के लिए लगाया आरोप। जब मीडिया ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप सिंह भदौरिया से बात की तो उनका कहना था कि जयप्रकाश शर्मा जी के पास किराया बकाया होने के चलते दुकान को सील किया गया। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिन दुकानों का किराया बकाया है उन दुकानों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन के चलते कोई भी शासकीय या प्राइवेट निवास स्थान या दुकान का किराए के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन यहां पर डबरा नगर पालिका अधिकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुमन की तानाशाही की वजह से आए हैं। उन्होंने नगरपालिका प्रशासक पर नगरपालिका CMO से कहकर दबाव डालकर जयप्रकाश जी की दुकान को सील्ड करवा दिया। इनके ऊपर कुछ बकाया राशि है, 6-7 हज़ार रुपये बकाया है, जबकि बकाया की लिस्ट में बहुत दुकानदार हैं, बहुत किरायेदार हैं, लेकिन अन्य किसी की दुकान सील नहीं की गई, अकेले जयप्रकाश की दुकान सील की गई। कारण की इमृती देवी भारतीय कांग्रेस से जब भारतीय जनता पार्टी में गई तो इन पर भी प्रेशर बनाया कि भाई आप भी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए। जयप्रकाश जी ने मना कर दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस में काम करूंगा। इस वजह से इन पे एक दबाव डालने के लिए, अन्य कार्यकर्ताओं पे जो दबाव डालने के लिए कि भाई इमृती देवी किसी भी कार्यकर्ता को परेशान कर सकती हैं, किसी भी कार्यकर्ता का दमन कर सकती हैं, ये एक दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया उन्होंने। किसे भयभीत होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ में आए भारतीय जनता पार्टी में। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन ने कहा है हम इसकी जांच करवाएंगे और जायज होगा तब ताला खुलवाएंगे, और नहीं खुलवाएंगे तो फिर आंदोलन होगा, आंदोलन किया जाएगा, यहाँ पे धरना दिया जाएगा SDM साहब के कार्यालय पे। देवी जी के कई लोग मेरे पास भेजे जा रहे हैं, खबरें भेजी जा रही हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, अन्यथा जयप्रकाश जी आपके ऊपर इतने छापे गलेंगे कि आप परेशान होकर आपको भारतीय जनता पार्टी में आना ही पड़ेगा। क्या छापे में क्या आप कोई माफिया है क्या, ऐसे मामले जो आपके छापे की बात की जा रही है? मैं एक साधारण छोटा सा एक किसान हूँ, ना मैं माफिया हूँ। और जो मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, खदान लूट लिया इमरती ने मेरा, आप पूछ लीजिए ना, मेरे जुए के अड्डे चलते हैं, ना मैं सट्टा खिलाता हूँ, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। फिर ऐसा आरोप क्यों लगाया उन्होंने कि आप पे छापे गलेंगे? अब इसका जवाब आप उनसे पूछिए, मेरे से बेहतर वो जानती हैं। उनका कार्यकाल आप सभी लोगों ने 15 महीनों में यहाँ देखा है। कल एक दुकान नंबर 9 है, अच्छी तौर पर इसको सीलबंदी कार्रवाई की गई है, क्योंकि उनका एक साल से किराया ड्यू था और उन्होंने अनुबंध शर्तों का उल्लंघन किया है, इसकी वजह से दुकान सीलबंदी कार्रवाई की गई। और कितनी दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी और ओपन नोटिस में जाएगी? जब 20-25 दुकानों की और लिस्ट तैयार कर ली है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसका, आगे भी इसी प्रकार की अन्य दुकानों पर कार्रवाई होगी। जो लोग अनुबंध शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और जिन लोगों ने किराया ड्यू, सर बताया जा रहा है कि वो जिसकी दुकान सील हुई है वो कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष है और उसने जो पूर्व मंत्री उन पर आरोप लगाया है उनके कहने पर दुकान सील। नहीं, 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 ये सब गलत है ना, मेरे को संज्ञान में, मेरे को जो वैधानिक है वैधानिक कार्रवाई।